दोस्तों, Xiaomi ने आज इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन Xiaomi 11 Lite NE 5G को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, जिसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। Xiaomi से मुझे ये उम्मीद नहीं था कि Xiaomi इतनी ज़्यादा हाईएस्ट प्राइसिंग रख देगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे बात करना चाह रहा हूँ Xiaomi 11 Lite NE 5G के बारे में, इसकी प्राइसिंग क्या रखी गई है इंडियन मार्केट में, आप इसे कब से और कहाँ से परचेज कर सकते हैं, और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको यह स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो इन टोटल आज के इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ Xiaomi 11 Lite NE 5G से रिगार्डिंग। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपसे Xiaomi 11 Lite NE 5G के स्पेसिफिकेशन के बारे में ही बात कर लेता हूं। तो दोस्तों, इस फोन में आपको 6.55 इंच का एक फुल एचडी प्लस वाला 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एंड यहां पे आपको 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिल जाएगा। हां, इसका डिस्प्ले जो है 10 बिट को सपोर्ट करता है, एंड यहां पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे सामने की तरफ आपको पंचोले स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा कर दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज़ करा गया है 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा यूज़ करा गया है 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है, थर्ड कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का यूज़ करा गया है जो कि मैक्रो शॉट्स क्लिक कर देगा। अब दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम किसी भी स्मार्टफोन के चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Qualcomm की तरफ से Qualcomm का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 778G। अब दोस्तों, जहाँ पे आपको LPDDR4X वाला रैम टाइप दिया गया है, UFS 2.2 वाला स्टोरेज टाइप दिया गया है, ये डिसअपॉइंट करने वाली बिल्कुल बात है। यहाँ पे LPDDR5 वाला रैम टाइप यूज़ करना था चाहिए था, एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप यूज़ करना चाहिए था, ये डिसअपॉइंट किया है मुझे। अब दोस्तों, यहाँ पे 4250 mAh की बैटरी दी गई है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आ गया, एंड यहाँ पे आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, एंड 33 वॉट का चार्जर जो है इन द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले तो यूज़ करा गया है, बट कॉस्ट कटिंग करने के लिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा कर दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको कोई भी 3.5 जैक देखने को नहीं मिलेगा, तो गेमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। एंड हाँ, यहाँ पे आपको SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिलेगा, बट ये कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड देखने को मिलेगा या फिर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, कंपनी ने ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं करा है। एंड यहाँ पे आपको NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, एंड डुअल स्पीकर भी इस फोन में दिया गया है। एंड हाँ, ये स्मार्टफोन जो है MIUI 12.5 पे रन करेगा जो कि एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड होगा। दोस्तों, ये तो हो गई स्मार्टफोन की पूरी स्पेसिफिकेशन की कहानी। अब फाइनली दोस्तों, अब चलिए हम बात करते हैं आखिर इसकी प्राइसिंग कैसी रखी गई है, मैं क्यों इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ इसकी प्राइसिंग से। देखिए, कुछ टाइम के लिए इस स्मार्टफोन को लेना सही है, बट हमेशा चाहिएगा कि परचेज कर ले स्मार्टफोन को तो सही नहीं है। मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, मैं बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, ये स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट में दो वेरिएंट में लॉन्च करा गया है, जहाँ पे जो इसका बेस वेरिएंट है वो निकल कर आता है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी जो प्राइसिंग है वो रखी गई है 26,999 रुपये, मतलब 27,000 रुपये। मतलब हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग 22,000 होगी, 23,000 होगी, Xiaomi एग्रेसिव प्राइसिंग के लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये से ज़्यादा प्राइसिंग रख दी गई है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये स्मार्टफोन डिजर्व नहीं करता है 27,000 प्राइसिंग। हम 27,000 में अगर ये लेंगे, इससे अच्छा हम रियलमी का स्मार्टफोन रियलमी GT मास्टर एडिशन क्यों नहीं लेंगे। वहाँ पे आपको 3.5 जैक देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का ही डिस्प्ले है, तो हम वो स्मार्टफोन क्यों ना ले भैया, अब ये स्मार्टफोन की तरफ क्यों जाएं। यहाँ पे अब हम बात करें आगे, तो देखिए इस स्मार्टफोन की जो ओरिजिनल प्राइसिंग है वो रखी गई है 6 प्लस 128 की 26,999 मतलब 27,000 रुपये। बट अगर आप बैंक ऑफर लगाते हो तो यहाँ पे आपको 2,000 का ऑफ देखने को मिलेगा, जिसके बाद इसकी प्राइसिंग हो जाएगी 24,999, तो यानी 25,000 रुपये, यहाँ पे 2,000 ऑफ हो गया। अब दोस्तों, एक और ऑफर इसमें ऐड कर दिया जाता है, जहाँ पे आपको ये स्मार्टफोन जो है दिवाली ऑफर के अंतर्गत 1,500 रुपये और ऑफ देखने को मिलेगा, तो इसकी ओरिजिनल इफेक्टिव कॉस्ट जो होती है वो बन जाती है 23,499 रुपये, मतलब 23,500 रुपीज़। तो 23,500 रुपये में अगर इस स्मार्टफोन को आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लो, बहुत अच्छा डील है, 23,500 में अच्छा डील है, ये स्मार्टफोन आप ले सकते हैं। और जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो निकल करता है 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 28,999 रुपये, मतलब आप कह सकते हैं 29,000 रुपये ओरिजिनली। बट इसकी भी जो 2,000 ऑफ बैंक ऑफर और 1,500 दिवाली ऑफ करके हम कहें तो इसकी प्राइसिंग निकल कर आती है 25,499 रुपये, मतलब 25,500 रुपये। देखिए, ये दोनों जो है अच्छी है, 25,500 में अगर पकड़ सकते हैं हायर वेरियंट तब, और 23,500 में पकड़ सकते हैं लोअर वेरियंट तब। और ये दोनों ये स्मार्टफोन को आप Amazon और MI.com से 2 अक्टूबर से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे जो मतलब
27,000 ओरिजिनल प्राइस रखी गई है, एक्सेप्टेबल नहीं है यार। देखिए अब मैं यहाँ पे आईक्यू Z5 अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, तो मैंने आपको बोला था कि उस स्मार्टफोन को परचेज मत कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलता था। इसलिए मैंने आपको बोला था कि 11 लाइट एनी 5G के लिए वेट कर लीजिए क्योंकि आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 22-23,000 में देखने को मिलेगी। बट ऐसा हुआ नहीं, इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है 27,000 हो गई। हाँ 22-23,000 रुपये तो हुई, 23,500 रुपये वो भी लेकिन ऑफर वगैरह लगाने के बाद। तो अब देखिए बात ये आती है कि देखिए अब भी ना आप कोई भी स्मार्टफोन लेने का डिसाइड मत करें। अभी देखिए अभी ना फ्लिपकार्ट पे अमेजोन पे सेल आने वाला है, ठीक है, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो जैसे वो सेल शुरू होता है ना वहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े आपको ऑफर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसका तो ऑफर आपको पता चल गया कि 23,500 रुपीज़ में हमें दिवाली ऑफर्स में देखने को मिलेंगे। बट बात यह है ना कि यहाँ पे एक स्मार्टफोन निकल कर आता है जिसका नाम है Realme GT Master Edition, जिसको कि बोला जा रहा है कि आपको ऑफर सीजन में, फेस्टिव सीजन में, ये सब में आपको 21,000 या 22,000 में देखने को मिलता है और 21,000-22,000 के आसपास भी भटकता है Realme GT Master Edition ऑफर वगैरह लगाने के बाद भी। किलर डील होने वाला है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वेट कर लीजिए। मैं आपको एक वीडियो बना कर दूँगा 3 या 4 तारीख को जब भी सेल आता है, प्रॉपर एक वीडियो कि आपको Xiaomi 11 Lite एनी 5G लेना चाहिए या फिर IQOO Z5 5G लेना चाहिए या फिर Realme GT Master Edition लेना चाहिए या फिर कोई और स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर प्राइसिंग में या फिर ऑफर वगैरह में कोई और स्मार्टफोन पकड़े जाते हैं वो सब प्राइसिंग में, मतलब 22-23,000 के प्राइसिंग में, तो आपको वो बता दूंगा। एक बार मुझे एनालाइज करने दीजिए मार्केट को, तो आप वेट कर लीजिए 3 या 4 अक्टूबर को, मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। देखिए 3 तारीख को आ रहा है में 3 तारीख, तो आप इमीडिएट परचेज मत कर लीजिएगा, आप और ऑफर्स को देखिएगा जो कि मेरा काम है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा परचेज करना है, 11 लाइट एनी 5G या फिर Realme GT Master Edition या फिर IQOO Z5 5G, तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा, उस पर हमारी एक प्रॉपर वीडियो आएगी। तो बस यही जानकारी थी अभी फिलहाल जो है इस फोन को लेने का, सिर्फ नहीं बनता फिलहाल, अभी आप सोचिएगा मत इस फोन को लेने का, ठीक है, वेट कीजिए। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालते। दोस्तों मिलता हूँ वीडियो में, ठीक है, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।